जनपद बहराइच के प्रथम आगमन पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव, एडवोकेट घाघरा घाट संजय संतु, गियोधनराज मोड़ पर कैसरगंज से पूर्व विधायक राम तेज यादव एडवोकेट के साथ समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने माला अर्पण करके स्वागत किया गया। खास रिपोर्ट शाहिद अहमद के साथ। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा कैसर में तमाम जनता में जवान, किसान, प्रधान समर्ण समाया हुआ है, उसकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने ये भरोसा जताया कि जब शेर की मांग पे शेर ही पैदा होता है तो शेर को शेर ही रहने दो, अब बिल्ली बिच्छू बैठा है इसको फायदा नहीं। अब आप समझ गए होंगे। बेशक बेशक जी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की तारीख हम लोगों के अब संघर्ष की, लड़ना तो पड़ेगा ही। और जो लोग ये सोच के बैठे दिल्ली लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हिंदू मुसलमान को लड़ा करके जात पात में बांट करके और लोगों को फर्जी इनकाउंटर दिखा करके जेलों में बंद करके पेड़ों में बांध करके गोली मारेंगे, सबसे पहले गोली मारी गई अनुसूचित जात को उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों को पेड़ों बांध के मारा, उसके बाद में पिछड़ों पे लगे लोग गोड़िया गड़ेरिया मौर्या के ऊपर लगे, उसके बाद मुसलमान भाइयों को पकड़ इनकाउंटर किया, ठाकुरों किया, जब जी नहीं भरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तब उन्होंने निशाना बनाया ब्राह्मण को और ब्राह्मणों को गोली से मारना शुरू कर दिया। एक महीने के अंदर, दो महीने के अंदर करीब 250 ब्राह्मणों का जो है मार डाला, उनका कोई आप योगी को मोदी को कहीं से अधिकार नहीं है कि किसी को आप पकड़ करके जेल में से भी निकाल करके पेड़ बांधे गोली मारिए, आप मुकदमा लिखिए, जेल भेजिए, न्यायालय यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बड़े बड़े अदालत बने, काहे लिए बने, वही तो न्याय मिलेगा। किसी जब योगी और दिल्ली के प्रधानमंत्री किसी की जान दे नहीं सकते हैं तो उनको लेने का अधिकार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, गांधीवादी और लोहियाबादी लड़ाई होगी, हम ना तो झुकेंगे ना रुकेंगे, न्याय ले करके ही हम किसी को मारेंगे नहीं और गलत चीज को मानेंगे भी नहीं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए कैमरामैन और पीछे चले जाए, मैं एक बार तस्वीरों में सबको दिखा भी दूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं तस्वीरों में जो है जिला पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पर अवधेश वर्मा भी मौजूद है और लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए। मैं दर्शकों से अपील करता हूँ कि इसे आप लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि सोचता है भारत जीतेगा हिंदुस्तान और हारेगा कोरोना। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा, बहराइच।